पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है, वहीं मोदी सरकार फुल एक्शन में। पाकिस्तान पर मोदी सरकार एक के बाद एक घातक प्रहार कर रही है। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से आमंत्रित किया गया है। ये न्योता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री एचएच शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने भेजा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है, ऐसे में यूएई के विदेश मंत्री का ये न्योता भारत के लिए बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान पर करारा प्रहार है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा कदम है। यूएई ने जो किया है वो काबिल तारीफ है कि जब उनको पता है कितना तनाव हो रहा है यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान है, कि उसके बावजूद उन्होंने हमारे विदेश मंत्री को बुलाया है, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, ये तो पहले कभी हुआ नहीं जी। तो मैं तो इसकी वो तारीफ करता हूँ। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है, अपने हिस्से के 20% का बूंद बूंद पानी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों में अधिकार का पानी पाकिस्तान बजा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी है। सिंधु जल समझौते के मुताबिक पश्चिमी रेंज की 3 नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु के पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान और 20% का इस्तेमाल भारत कर सकता है। लेकिन अब तक भारत सिर्फ 4% पानी का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब अगर अपने हिस्से का पानी भारत रोकता है तो पाकिस्तान को मिलने वाला 16% अतिरिक्त पानी रुक जाएगा। पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रांत सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। जो उन्होंने कहा, ये उज बराज जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनने वाला है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई जो पानी जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसके अलावा जो पानी बचेगा वो हम पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे, बल्कि हम उस पानी को पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की तरफ उसको मोड़ देंगे। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पानी है इसके ऊपर राइट हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, तो इसमें ना पाकिस्तान को कोई आपत्ति होनी चाहिए ना ही और किसी को। पुलवामा हमले की साजिश किसने रची पूरी दुनिया जानती है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह साजिश रची, जैश को किसने पाला पोसा पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने और अलग थलग करने की कूटनीति पर काम तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की काफी कड़े शब्दों में निंदा की है। दुनिया के 15 शक्तिशाली देशों ने इस मंच से कहा, सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में जघन्य और कायराना तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली थी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मतलब जैश मोहम्मद पर चीन के रुख में बड़ा बदलाव पाकिस्तान के लिए झटका और भारत के लिए बड़ी राहत है। हालांकि इसमें मसूद अजहर का जिक्र नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों में एक बताया है। भारत की ठोस कूटनीति और कड़े रुख से पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ गई है। आनन फानन में गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। इसमें जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। ये दोनों ही संगठन मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद द्वारा चलाए जाते हैं। हाफिज दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाता है। हाल ही में इन दोनों संगठनों पर से बैन हटाया गया था। हाफिज इन्हीं दोनों संगठनों के नाम पर अपने आतंकी कारखाने के लिए फंड जुटाता है। मोदी सरकार साफ साफ संदेश दे रही है कि अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सरकार ने एक और कड़ा प्रहार करते हुए हुर्रियत के 18 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली।
इसमें पहले चार नेताओं की सुरक्षा छीनी गई थी। अब तक हुर्रियत के 22 नेताओं की सरकारी सुरक्षा हटाई जा चुकी है। हिंदुस्तान के कारोबारियों ने साफ साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान का कोई भी माल वो नहीं खरीदेंगे, न मेवा, न सेंधा नमक, न खाद, न सीमेंट। सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि आतंकिस्तान को वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं देगा। द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस विच हैड बीन ग्रांटेड टू पाकिस्तान स्टैंड्स विथड्रॉन। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विल इशू द नेसेसरी कम्युनिकेशंस इन दिस रिगार्ड। सिर्फ सरकार ही नहीं, किसानों ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर ली। एमपी के झाबुआ में किसानों ने तय किया है कि वो अपना टमाटर पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे। हमारे मन में तो यही पीड़ा है कि जो हमारे 40 जवान आज शहीद हुए हैं, हम किसान हैं, हम टमाटर अन्न पैदा करते हैं, जो टमाटर हम पाकिस्तान को भेजते हैं वो पाकिस्तान वही टमाटर खा के हमारे जवानों को, नौजवानों को जो मार रहे हैं, यही हम तो हमारे गाँव से एक एक जो यंग लड़का है ये चाहते हैं, अगर ये कोई हमको भर्ती करता है तो हम अपने छाती पे बम बांधकर और सारे पाकिस्तान में कूद के पूरे पाकिस्तान को सफाया करना चाहते हैं। अब टमाटर आप पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे? टमाटर हम पाकिस्तान को भेजेंगे और न किसी को भेजने देंगे। टैक्स हैं बार बार इंडिया के ऊपर हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए? अगर उसको रोकेंगे नहीं तो फिर हम क्रिकेट खेले जाएंगे, मतलब हम अपना काम करे जा रहे हैं, फिर हमें तो ऐसा लगता है कि हमें परवाह ही नहीं है। बट उन भाइयों को परवाह है जो वहाँ पे हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो देश खुशहाल रहे, बट हमें तो अपना बस गेम से मतलब है। ऐसा नहीं चल सकता कि दो तरफा काम नहीं हो सकता। जब उनको ज़रूरत है हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए, और आज ये इस नतीजे पे हमें पहुँचना चाहिए कि हम पहले भारतवासी हैं, क्रिकेटर बाद में। खिलाड़ी कहने लगे कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप ना खेले हिंदुस्तान तो अब BCCI ने भी पाकिस्तान को इससे बाहर करने का प्लान बना लिया है। खबरों के मुताबिक BCCI पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कराने के लिए ICC पर दबाव बनाएगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला लेने से पहले विनोद राय की अगुवाई वाला COA सरकार से इसके लिए इजाजत लेगा। जी, फर्स्टली ऑल आवर सिंसियर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स फ्रॉम द इंडियन टीम एंड द होल सेटअप। वी आर रियली शॉक्ड अबाउट व्हाट हैपेंड एंड रियली यू नो सैड अबाउट द इंसिडेंट दैट हैपेंड। आवर स्टैंड इज सिंपल, वी स्टिक by what the nation wants to do and what the BCCI decides to do, and that is basically our opinion. Whatever the government and the board decide, eventually we will go by that and we will respect that. So that is our stand on this particular issue. पाकिस्तान के इन कलाकारों, गायकों, संगीतज्ञों की दौलत और शोहरत हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की इनायत पर टिकी है, लेकिन इनका मुल्क है कि इसके एवज में भारत के सीने में ही खंजर घोंपता है। इसीलिए बॉलीवुड में ये आवाज उठने लगी कि अब पाकिस्तान का यहाँ भी हुक्का पानी बंद। जो भी डिसीशन हमारी आर्मी लेगी, जो भी डिसीजन वो लेंगे, वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ दैट। और हमको ये भी पता है कि वो सब सोच समझ के करेंगे जो करेंगे। आई मीन, एंगर अपनी जगह पे है, इमोशन अपनी जगह पे है, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे है, फिर भी जब एक देश की बात आती है तो सब सोच समझ के किया जाता है। एंड आई एम श्योर वो सब सोच समझ के करने वाले, और वो जो डिसीजन लेंगे आई थिंक हम सब उसके सपोर्ट पर रहेंगे। वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट हमारी तरफ से भी था कि हमने इसीलिए पाकिस्तान, जैसे आपने जी हम रिलीज नहीं करेंगे, हम सब ने वो डिसीजन लिया। ओके, इस वक्त द मूड जो है इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स व्हाट इज द ट्रेजेडी व्हिच हैज हैपेंड, सो द फोकस इज ऑफ कोर्स देयर, एंड एज अजय सेड दैट वी आर ऑल यू नो विद द कंट्री, विद द सोल्जर्स। अगर बॉलीवुड में भी पाकिस्तानी कलाकारों की नो एंट्री का बोर्ड लग गया तो पाकिस्तान से शोहरत और पैसा कमाने मुंबई आए इन कलाकारों को भूखों मरना होगा। हाल फिलहाल में 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं, टोटल धमाल, मिलन टॉकीज, भारत, केसरी, मेंटल है क्या और बदला। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री डर रही है कि अगर बॉलीवुड ने अपना दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया तो उनकी कमाई एक तिहाई भी नहीं बचेगी। इट विल नॉट बी रिलीज इन पाकिस्तान फॉर टू रीजन। फर्स्ट दिस, लाइक यू आर सेइंग, वी स्टैंड इन सॉलिडैरिटी, एंड दूसरी चीज, पायरेसी जो होती है वो पाकिस्तान से ही होती है, तो हमको कभी भी पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, इन स्पाइट ऑफ कुछ रीजन, चाहे कुछ भी हो।
साफ है कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर सिर्फ सरकार ने ही नहीं, आम आदमी, कारोबारियों, बॉलीवुड और खिलाड़ियों ने अपनी नजरें तिरछी कर ली।